किचन है ना? हाँ, ये किचन है। ये चाय के माने खाना गरम कर लो, इधर चाय का सिस्टम है, उधर वॉशरूम है। ये फौरन यहाँ मालिश चालू कर देगी मशीन। अच्छा, पीछे मालिश करती है फिर? मालिश कर रही है, अभी ये कर रही है मालिश। अच्छा, तो ये फाइनली भाई हम बसेस स्टॉप पे आ गए जहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी होती है। हाय, थैंक यू। बस ये है भाई बस स्टैंड, क्या जबरदस्त लग रहा है। इट्स लाइक एयरपोर्ट की तरह लग रहा है ये बस स्टैंड। सामने है टिकट काउंटर। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त गफार मुसाफिर एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करता है। मैं हूं अभी मिडिल ईस्ट गल्फ की सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। अभी मुझे यहां से एक नेक्स्ट प्रोविंस की तरफ जाना है, जिस प्रोविंस का नाम असीर है। असीर की कैपिटल सिटी अबहा में जाना है। आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप सऊदी अरब आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सऊदी अरब 95% डेजर्ट है, और सऊदी अरब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है जिसमें कोई भी रिवर आपको नहीं मिलेगा। गर्मी का कारण ये भी हो सकता है, डेजर्ट का कारण ये भी हो सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्सिमम जगहों पर आपको गर्मी मिलेगी। अगर आप मई जून में आते हो तो आपको कुछ जगहें ऐसे मिलेंगी जहाँ पर 50 डिग्री टच होता है। लेकिन आज मैं यहाँ से एक प्रोविंस में जा रहा हूँ, असीर प्रोविंस की कैपिटल सिटी अबहा में जा रहा हूँ, और वहाँ पे बताया जाता है कि बहुत ठंडा मौसम है। उसको आप सऊदी अरब का कश्मीर मान लीजिए। जब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, सऊदी अरब के ज़्यादा लोग वहाँ पे जाके सर्दी को एंजॉय करते हैं, ठंडा एंजॉय करते हैं। अब वहाँ पे क्या है वो सब तो मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पहुँच के ही बताऊँगा। लेकिन आज की मेरी वीडियो है बस जर्नी। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैवल किया यार, टैक्सी से ट्रैवल किया, और 20 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल, 45 रियाल। अभी यहाँ पे पहुँचाऊँ जिस जगह पे 45 रियाल दे के पहुँचाऊँ, मीन्स 800-900 इंडियन रुपीज़ दे के। तो आपको टैक्सी से ही मैक्सिमम आपको ट्रैवल करना है, यहाँ पे बहुत खर्चा होता है। लेकिन आज मैं बस का सफ़र भी मुझे अच्छा लगता है, और आज मैं बस जर्नी भी करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब की बसेस कैसी होती हैं, क्या टिकट रहता है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अभी। तो भाई साहब, अभी मैं अत्तामीर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में पहुँच चुका हूँ। ये है अजीज़िया में। इससे पहले मैं चला गया था अलबत्ता कुछ ऐसी जगह है, वहाँ से भी आप लोगों को गाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन छोटी टैक्सीज वगैरह मिलेंगी। यहाँ से आपको बस हर जगह की मिलेगी। अत्तामीर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेंटर से आप किसी कहीं भी जा सकते हैं अगर आपको बस से ट्रैवल करना है तो। ये है भाई बस स्टैंड, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। इट्स लाइक एयरपोर्ट की तरह लग रहा है ये बस स्टैंड। सामने है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर निकलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बज चुके हैं 4, टिकट तो मुझे मिल गई है। ये मिली है 6:30 बजे, आप ये देख सकते हैं 6:30 बजे की टिकट है ये। 6:30 बजे बस निकलेगी और सुबह 8:04 पे पहुंचेगी। और मुझे ये टिकट पड़ी है 161 सऊदी रियाल की, 161 सऊदी रियाल की टिकट मुझे पड़ी है। और ये सफ़र है जो मान लो तकरीबन 1100 किलोमीटर, 1089 किलोमीटर का सफ़र है, और इसमें 13 घंटे और 34 मिनट लगेंगे। अरे भाई, पूरी रात मुझे गाड़ी में बैठना है। कैमरा यूज़ करना भाई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगों की टाइमिंग होगी, और बस चीज़ ना अंदर है, अंदर खड़ी हुई है बस। यहाँ से टिकट दिखा के इन लोगों को अंदर एंट्री करना है। तो अभी यहाँ पे पैसेंजर लॉन्च भी है, आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हो जब तक आपकी बस की टाइमिंग होती। तो मैं अभी रेस्ट करता हूँ, यहाँ पर बैठता हूँ, फ़ोन चोन चलाता हूँ। ये है पैसेंजर लॉन्च, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप खाने की ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, खाना पीना, जो कुछ भी आप लोग करना चाहें तो कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बढ़िया बस स्टैंड है यार। चलते हैं भाई अब बस की तरफ। यहाँ से आपको छोड़ते हैं आधा घंटा पहले, मीन 6:30 बजे का टाइम है आप देख सकते हैं, और 6 बजे यहाँ से छोड़ेंगे। यूट्यूब नो प्रॉब्लम, से दिस इज माय टिकट। हाय, थैंक यू। बस नंबर ओके। अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे भी आपको लॉन्च मिलेगा, आप लोग यहाँ पे भी वेट कर सकते हो। मेरा है नंबर 9, यहाँ पे मेरी बस आएगी। तो अभी हम रखते हैं बैग अपना यहाँ पे। ये आप मेरे पास देख सकते हो, मैंने कुछ ये चादर वादर निकाल दी है। ये एक्चुअल में इसको मैंने पहन के उमरा करा था। ये है एहराम। तो मुझे लगे कि सर्दी, क्योंकि रात को सर्दी लगती है बस में, एसी होता है, तो उसकी वजह से मैंने सफ़र किया है 1-2 बसेस में, तो मुझे लगा कि इसको साथ रखना चाहिए। चले भाई साहब, अब हो रही है हमारी एंट्री।
थैंक यू। तो ये फाइनली भाई हम बसेस स्टॉप पे आ गए जहाँ पे बसेस वगैरह खड़ी होती हैं। हाय साहब, क्या ज़बरदस्त बस है भाई। हाय साहब, हाय बैग बैग सॉरी अब आवाज आने क्या सामान है कपड़े चपड़े है इसको नीचे रख दो इतना नहीं आया। हाँ इसको नीचे ही रखना है नीचे रखना है इधर से। हाँ ठीक है भैया बड़ी जबरदस्त। आप किधर से हैं सर आप हिंदी उर्दू बोल रहे हो। इंडिया कहाँ से। यूपी से। यूपी से। अरे भाई यूपी के ड्राइवर भी हैं यहाँ पे। ये लोग इसी बस स्टैंड पे किसी इस बस से उतरे हैं और ये यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से अगर इनको एग्जिट करना है पहले ही अपना सामान यहाँ पे चेक करवाते हैं। चेक करवाने के बाद ही आपको ये अंदर अलो करेंगे। ज़बरदस्त भाई कमाल की गाड़ी है। देख लीजिए भाई सऊदी की बसेस। आज मैं ज़बरदस्त सऊदी की बस में सैर करने वाला हूँ। ज़बरदस्त बस यहाँ पे हमने सामान वगैरह रख लिया ये साथ में मैंने अपने रखा। सर्दी लगेगी भाई रात को इनके अंदर एसी वगैरह होते हैं और जिस जगह में जा रहा हूँ वो जगह भी ठंडी सी है। तो आपको अंदर आने के लिए अपने प्रोसेस देखा आपको टिकट दिखाने फिर उसके बाद स्कैन करते हो। तो ये है कुछ इस तरह का बस स्टॉप बस स्टैंड। ज़बरदस्त है मज़ा आ गया। अब चलते हैं बस के अंदर और अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसी दिखती है बस। रख लिए सर रख लिया। यूपी कहाँ से हो। यूपी हम फतेहपुर। फतेहपुर हाँ यूपी तो मैक्सिमम घूमा हूँ। आप कहाँ के। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। हाँ कानपुर इलाहाबाद के दरमियान में है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है जी वहाँ के। बिल्कुल। तो कितने टाइम से यहाँ जॉब कर रहे हो। आपको 16 साल हो गए। माशाल्लाह ये आप ही की गाड़ी है ना आप इसको चला के ले जाएंगे। चला के ले जाएंगे गाड़ी तो कंपनी की। ओके चलें सही हो गया। तो चलिए भाई करते हैं एंट्री। ज़बरदस्त ये है ड्राइवर सीट। ये नीचे होती है ना ये गाड़ी इन गाड़ियों की जो ड्राइवर सीट होती है वो नीचे होती है और कुछ इस तरह की बस है। कैमरा भी लगा हुआ है बस में। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद आई फील के मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये गर्ल्स कैबिन है। गर्ल्स यहाँ पे ज़्यादा बैठती हैं। लड़कों की जो सीट होती है पीछे होती है। मेरी सीट नंबर है 30। सर्दी तो लगेगी भाई सर्दी तो लगेगी। अभी ही ये हालत है तो बाद में क्या होगा ना। सर्दी तो कुछ करेगा ना चादर वादर देगा मेरा क्या। चादर वादर देगा तो ठीक है नहीं तो हमने अकड़ के मर ही जाना है। नहीं बंदा कोई मरता है। सीट नंबर 30। आपका नंबर क्या। 30 नंबर या 30 30 US على المقاعد هنا على الترتيب. You show me your ticket. 25 Seat number 29 30 30 maybe this. Yeah 30 Okay no problem you sit there. ये है भाई कुछ इस तरह की सीट। ये लास्ट की सीट है बिल्कुल लास्ट की सीट है। बहुत ही बढ़िया बस है भाई ज़बरदस्त बस है इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको बसेस के आगे भाई ये क्या टीवी भी लगी हुई है एलसीडी भी लगी हुई है। आप लोग यहाँ पे इसको भी लगा सकते हो म्यूज़िक सुन सकते हो कुछ भी करना चाहें तो। इसके साथ में भी ये चार्जिंग केबल है अगर आपको चार्ज करना हो तो आप लोग यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हो। हाँ आप लोग चार्ज कर लें यहाँ पर चार्जिंग का मिल गया। और उसके साथ साथ अगर आपको खाना है जैसे कि प्लेन में सीट्स मिलती हैं या ट्रेन में भी होती हैं आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। भले ही इन्होंने मुझसे आपने कितना किराया दिया 161। हाँ भले ही 161 दिया जो कि इंडिया का लगभग बनता है 3300-3400 कुछ ऐसा बनता है लेकिन गाड़ी कमाल की है भाई। गर्ल्स इधर बैठी हुई हैं। और भाई साहब वाईफाई भी मिलेगा आपको। एंट्रेंस यहाँ पे दो हैं आप लोग यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो आगे से भी कर सकते हो जैसे कि ड्राइवर सीट के पास है जो यहाँ पे
यहाँ से भी आप लोग अंदर जा सकते हो। और ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सबको अलसा फॉर ट्रांसपोर्टेशन सैट वीआईपी। तो भाई साहब अभी मैं पिछली वाली जगह पे एंट्री कर रहा हूँ, पिछली बारी से अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सर्दी बहुत है यार। आप लोगों को बता दूँ, आप लोग कभी भी रात को ट्रैवल करें या दिन को भी ट्रैवल करें, कपड़े अच्छे खासे गर्म पहन लें सर्दी अगर आपको लगती है तो। तो अंदर एंट्री करते ही यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है, आप लोग यहाँ पे अपने हैंड वॉश कर सकते हो बस में। बट इट्स लाइक अ किचन यार, ज़बरदस्त। आप लोगों को अगर कुछ खाना वाना बनाना हो। क्या हुआ? वही पूछ रहा हूँ थोड़ा, बसेस में बता रहा हूँ कि ऐसी ज़बरदस्त बस है जी आपकी। ये हॉट पॉट है यानी खाना गर्म करने के लिए। खाना गर्म करने के लिए हाँ, हाँ। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये किचन, इस लाइक किचन है ना? हाँ ये किचन है, ये किचन है, ये चाय के माने खाना गर्म कर लो, इधर चाय का सिस्टम है, उधर वाशरूम है, ठीक है, वाशरूम भी है। वाशरूम के ये है वाशरूम। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे सोने के लिए नीचे गुफा है इधर। हाँ जी, आप सो भी सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अभी जाएगा नीचे सोएगा। अच्छा जी, तो इन लोगों का अगर सोना होता है तो यहाँ नीचे, ये गुफा है भाई, केव है, यहाँ पे नीचे जाके सो जाते हैं। कितने आदमी सो सकते हैं नीचे? एक आदमी। एक आदमी हाँ, अपना सगा भाई हो नहीं लिटा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सिर्फ ड्राइवर सोएगा, दूसरा आदमी नहीं जा सकता। ठीक है, आप दो ड्राइवर से? हाँ, दो ड्राइवर होता है, एक चलाता है, एक सोता है, एक सोता है, एक चलाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही हो गया। आप किधर से हैं भाई? मैं जम्मू कश्मीर से। अल्हम्दुलिल्लाह, और बढ़िया। आप किधर से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर यूपी। यूपी, माशाल्लाह, यूपी तो सब पता है हमें, घूमा हूँ बहुत। आप चल रहे हैं साथ में? हाँ, आपके साथ चल रहा हूँ। इंशाल्लाह चलो, कोई हाँ हाँ चलेंगे, गप्पे करेंगे। तो ये है भाई साहब वॉशरूम, जबरदस्त क्लीन वॉशरूम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये लोग रात को अंदर जाके सो जाते हैं अगर इनको सोना होता है। तो ये है किचन, अगर आप लोगों को, उसमें वाईफाई भी है सब सिस्टम। हाँ हाँ, वाईफाई भी है, किचन भी है, कुछ खाना पकाना हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। 3 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग भाई रुके यहाँ पे। अभी टाइम मैं देखता हूँ तो टाइम आप देख लीजिए, 10 बज गए। तो हम 6:30 बजे निकले थे, 7:30, 8:30, 9, 3-3.5 घंटे हो गए। सामने होटल है, यहाँ पे बसेज आके रुकती हैं और अभी मैं जाके खाना वाना कुछ खाता हूँ। 1/2 घंटे का स्टॉप है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम निकलते हैं। तस्वीर नो यार, यूट्यूब पर मैं, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब यू ममनू यार, ये अरबी लोग वीडियो के लिए बड़ा मना करते हैं। फूड 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 माफी, अरबी अरबी खलास, इंग्लिश अरबी शोशा माफी, मुश्किल। ओके, अरे भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ बैठ के खाने का। अस्सलामु अलैकुम, कैफ़ा हाल? गुड, ओके, नाइस नाइस, नो प्रॉब्लम। ये है भाई कुछ इस तरह का खाने का सिस्टम, आप लोग यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं, जैसे कि सामने आप भाई साहब को देखेंगे। और उसमें साथ में आपको ये नीचे रखने के लिए आपको ऐसा पेपर भी देंगे जिसमें आपको बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या ऑर्डर करूँ इन लोगों को। यू हैव बिरयानी? बिरयानी बिरयानी या बिरयानी? बिरयानी आप मेरे को यही। यार ये इतना सारा खाना आके रख दिया इन्होंने मेरे साथ, ये चिकन बिरयानी है, ये तो नहीं खाई जाएगी मेरे साथ, ये मैं वापस करूँगा, ये गुस्सा करेंगे। थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। इसी बंदे को यार थोड़ी सी अंग्रेजी आती थी और समझ आया। मैंने पहले तो बिरयानी मंगाई, वो मुझे पसंद नहीं आई थी। अभी ये दोबारा, ये आप देख सकते हैं फ्राइड राइस लग रहे हैं और उसके साथ साथ मैंने मंगवाया चिकन। मीट मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, चिकन चिकन सालन, चिकन सालन है ये। सऊदी ट्रेडिशनल है भाई, ऐसे खाते हैं सऊदी।
मैं मुझे ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ मिर्ची वगैरह कम खाऊँ, मिर्ची नमक कम ही खाता हूँ। खाना हो गया और ये जितना भी खाना खाया मैंने, अरे वाह, 25 रियाल सऊदी के, 25 रियाल ये 50 दिया 25 वापसी, 25 रियाल हो गया, 550 कुछ, 550 इंडिया का हो गया, तो कुछ ऐसा हो गया है। कितने गियर हैं इसके? इसमें 12 गियर हैं। ये हमारी गाड़ी अभी इस वक्त मैनुअल में हो गई है। अब ये हम गियर जब चेंज करेंगे तभी इसका गियर चेंज होगा, नहीं तो गियर नहीं चेंज होगा, वही गियर में ये गाड़ी चलती रहेगी। ये 12 नंबर गियर में हमारी टॉप में गाड़ी चल रही है। अच्छा। अभी हमने इसको डाउन कर दिया, डैशबोर्ड पे 11 नंबर आ गया। अच्छा जी, ठीक है, 11 नंबर पे आ गया, ठीक है जी। अब हमको जिसे बढ़ाना है या नीचे आना है तो इस हिसाब से लीवर को नीचे करेंगे तो ये अब आ गई हमारी गाड़ी 10 नंबर में, ठीक है। अब हमको बढ़ाना है गियर और आगे देना है तो ये हमारा 11 नंबर में गाड़ी पहुंच गई, ठीक है। अब ये चल रही है, मौसम आ गया इसका, गाड़ी मांग रही है गियर। अच्छा जी, कि हमें गियर और दो। हाँ जी, ये दे दिया, टॉप लग गया इसका और ये टॉप हो गया, 12 लगा हुआ है। हाँ, अब ये 12 नंबर पे पहुंच गई। ये गाड़ी बिल्कुल फ्री भाग रही है, ना इसको गियर की ऊपर की जरूरत है ना नीचे की जरूरत है। अच्छा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं मैनुअल में नहीं चलाऊंगा, मुझे ऑटोमेटिक में करना है, गियर कौन बार 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 लगाएगा। ये मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। अब हमको गियर बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लच नहीं होता। अच्छा जी, ब्रेक और क्लच एक साथ से इसका एडजस्ट होता है। अब ये ऑटोमेटिक अपना जहाँ जो गियर इसको चाहेगी ना मौसम के हिसाब से, गाड़ी पे जैसे लोड पड़ेगा उस हिसाब से गियर अपना चेंज करती रहेगी। ये बात, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है जी। अच्छा, और मेन चीज ये गियर का ये सिस्टम है इसमें कि ये गाड़ी आपकी रेडी जब तक नहीं होगी, जब तक आप यहाँ से गियर नहीं लगाओगे। अच्छा जी, ना तो मैनुअल काम करेगा ना ऑटोमेटिक काम करेगा। ये स्विच को आप ड्राइव पे डाल देंगे, ये गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक सिस्टम और दिया है। हाँ जी, जैसे छोटी गाड़ी में या बड़ी गाड़ी 4x4, इसमें 4x4 भी है। ये जैसे मुझे गाड़ी मेरी फंस गई है, मुझे 4x4 बनाना है। अच्छा जी, डबल डी पे डाल देंगे और 4x4 में हो जाएगी। अरे वाह, जबरदस्त। लेकिन ये चलते वक्त 4x4 नहीं होगी। हाँ नहीं, आप खड़ी गाड़ी है तो गाड़ी को खड़ी करेंगे, ये डी छोड़ा के दूसरे डी पे ले जाएंगे। गाड़ी फंसी हुई है तो निकालने के लिए, ये तो 4x4 हो जाएगी, फिर गाड़ी इंशाल्लाह निकल आएगी। अच्छा, वैसे डबल ताकत रिवर्स में भी दिया है। अच्छा, पीछे करना है तो पीछे का भी 4x4 का सिस्टम है। पीछे भी है भाई 4x4, अगर आपकी गाड़ी पीछे फंसी है, पीछे निकालनी है आपको तो जी तो ये आर पे कर दीजिए, डबल आर लगाना पड़ेगा, तब गाड़ी इंशाल्लाह निकल आएगी। आप अगर 80 के स्पीड से ऊपर हो जाएंगे तो आपके ऊपर चालान हो जाएगा ना? हाँ, 80 के ऊपर अगर गए तो चालान हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैमरा लग जाएगा। अच्छा जी, वो आ जाएगा। जैसे मैं पांव से एक्सीलेटर नहीं दबाना चाह रहा हूँ। हाँ, पांव से एक्सीलेटर नहीं दबाना चाह रहे, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड एक ही में चले। गाड़ी हमारी यहाँ से लाख। अच्छा जी, 94 पे बंदी है ना। हाँ, ये बंद गई मेरी गाड़ी। अच्छा, वहाँ से आप स्पीड लॉक कर देते हो? लॉक कर दिए ना, तो 92 से ये 93 पे जाएगी ना 91 पे आएगी, सेम स्पीड पे रहेगी कंस्टेंट में। भाई यहाँ पे स्पीड लॉक भी कर सकते हैं अपने पांव को रिलैक्सेशन देने के लिए। हाँ, और जैसे अगर ये मुझको छुड़ाना है लॉक, तो या तो मैं यहाँ से छुड़ा दूंगा, एक स्विच ये है। हाँ, इसको मैंने पुश कर दिया ना, ऑटोमेटिक छूट गया वो। ओके, ये गाड़ी 90 पे आ गई, अब ये कम होती जाएगी। हाँ बिल्कुल, और अगर फिर अगर बढ़ाना है मुझे पांव से दबाएं,
और नहीं तो फिर इधर से लॉक कर दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सिस्टम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो गई है भाई, अभी भी लोग देखें आप सो रहे हैं, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हो? सो गया था, मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी। और कैसे हैं आप? कैसी लाइफ चल रही है आपकी यहाँ पे सऊदी में? बहुत बढ़िया चल रही है, अल्लाह करम है, ठीक है। अच्छा, तो आप रात को सोए हुए थे? हाँ, मैं रात में सोया था, मैं 2 बजे उठा था गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा जी, वो दूसरा पहला भाई चला रहा था ना, वो हाँ जी, तो वो सुलेन तक लाया, सुलेन से मैं लेके जा रहा हूँ, आभा तक ले जाऊंगा पूरा। तो भाई सब कुछ इस तरह का नजारा है, 80 की स्पीड से हमारी गाड़ी जा रही है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती है, रोड ही 80 की है। बेटा ये सिटी पार कर ले। जब उस्ताद जी, अब ये सीट के बारे में बताएं, सीट भी आपकी बड़ी जबरदस्त लग रही है। सीट पे जैसे हम बैठे हैं, हाँ जी, गाड़ी चला रहे हैं, और हमें महसूस हो रहा है कि हमारे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फील हो रहा है। हाँ जी, यहाँ एक स्विच दिया है। ओके जी, ये इसको हमने ऑन कर दिया, ये फौरन यहाँ मालिश चालू कर देगी मशीन। अच्छा, पीछे मालिश करती है फिर? मालिश कर रही है, अभी ये कर रही है मालिश। अच्छा, मालिश हो रही है, कमर में भी और ये पीठ में भी मालिश हो, मालिश कर रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ ये हिल भी रही है। हाँ, ये दिख रहा है ना। हाँ हाँ भाई, इस सीट पे ये बैठ के बैक मसाज भी कर सकते हैं, अगर अगर ड्राइवर्स को लगता है कि वो थकान फील हो रही है उनको, तो ये मसाज भी करवा सकते हैं। और एक रात को मैंने देखा लाइट बड़ी कम होती है, मैं तो बीच में डर रहा था कि लाइट के बिना चला रहे हैं उस्ताद जी गाड़ी। नहीं नहीं, वो डिम हमने आपको बताया ना, हाँ जी, कि यहाँ फुल लाइट आप लगा नहीं सकते। हाँ जी, फुल लाइट अगर लगा दिया, किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो आपका ग्रामा हो जाएगा, जिसको फाइन हो जाएगा। हाँ, फाइन हो जाएगा, जिसको हम लोग फाइन बोलते हैं, यहाँ ग्रामा बोलते हैं, मुखालफा बोलते हैं अरबी में, तो ऐसा होता है। तो आपको डिम लाइट में चलाने में प्रॉपर परेशानी नहीं होती है क्या? नहीं, आदत हो गई है। अच्छा जी, हाँ आदत हो गई है, उसी हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर लेते हैं ना। जैसे अभी आपको हमने बताया, ऊपर कर लिए तो रहेगी डिम ही लाइट, उसको दूर तक दिखेगा। अच्छा जी, हाँ, कैमरा का अंदाज जैसे नहीं आया, धोखा लग गया तो कैमरा काम कर देता है वो अपना, और जैसे लगता नहीं है मालूम होता है। जैसे इंडिया में लाइट्स ज्यादा चलती हैं, वैसे यहाँ पे नहीं चलती ना। अच्छा, ये लाइट जो है ये एक स्विच और है, जिसे गर्मी हो रही है ज्यादा, तो एक स्विच हमने अगर ये कर दिया तो ये सीट हमारी ठंडी रहेगी, ठंडी हो रहेगी सीट, ये बिल्कुल ये कूल होती जाएगी, और अगर सर्दी है आपको ठंड महसूस हो रही है, हाँ, तो आप ये बटन को आप अपोजिट कर दोगे, ये सीट गर्म हो जाएगी, आपको महसूस होगा कि हमें सर्दी नहीं महसूस हो रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा भाई साहब, आपका दोस्त फाइनली यहाँ पे असीर प्रोविंस की कैपिटल सिटी यहाँ पे आबा में पहुंच चुका हूँ, और आबा में पहुंचते यार अलग सी फील आ रही है, लग ही नहीं रहा है कि मैं सऊदी अरबिया में हूँ। यहाँ का मौसम बहुत जबरदस्त, अभी मैंने टेम्परेचर नहीं चेक किया, मुझे लग रहा है 15 से 20 के बीच में ही होगा। और अभी मैं मिलवा देता हूँ आपको अपने मामू से, मेरी जो पाकिस्तान की बड़ी अम्मी है उनके भाई हैं ये। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? और अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत टाइम से हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, हमें इनके पास रुकना है 1-2 दिन, उसके बाद हम निकल जाएंगे। यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। चलें ठीक है, तो आपकी बड़ी जगह ये बड़ी ज़बरदस्त है, जिस जगह पे आप हैं बहुत प्यारी जगह है ये, और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। अभी हज के बाद यहाँ बहुत रश होता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, आप ये सऊदी अरबिया का कश्मीर मान लो और पाकिस्तान का मरी मान लो, सेम सेम। यहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं सऊदी लोगों को, जब कभी अपने आप को वैसे ज्यादा टूर करते रहते हैं बहुत सऊदी लोग, बाहर से लोग आते हैं। अच्छा, बाहर से भी आते हैं? जी जी, तो इस इलाके में आके इंजॉय करते हैं। अगर आप अभी रियाद में जाओगे तो रियाद में टेम्परेचर चल रहा है 40 के करीब करीब जाता है, और यहाँ पे 15-20। और अभी माउंटेन तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन साइड पे माउंटेन्स वगैरह भी हैं, वो सब आप लोगों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज की मेरी वीडियो थी आपको बस सफ़र दिखाना, 12-13 घंटे लगे सुबह, उसमें टिकट पे लिखा हुआ था कि 8 बजे पहुँचेगी, लेकिन पहुँची कहीं 9:30 बजे जाके।
सफर बहुत अच्छा था, बस को भी देख के बहुत मजा है। बसेस बड़ी जबरदस्त है जो वहाँ से यहाँ आती हैं, अलग अलग किस्म की बसेस और मजे वाली बसेस, सफर भी मजे वाला, एसी, हीटर, बाथरूम, सोने की जगह, बहुत सारी चीजें। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।